हेलो हेलो एवरीवन। सो ये वीडियो है रिगार्डिंग आपके पार्टनर की कैसी रहेंगी करंट एनर्जीज, क्या आपको इस सिचुएशन में करना चाहिए। ये टाइमलेस वीडियो है, जब भी आप ये वीडियो देख रहे हो उस वक्त के लिए आपके लिए वीडियो देखना बना है। सो आप कभी भी देख सकते हो इसको। एंड ऑल्सो मैं कहूँगी एक और चीज़, यू नो यहाँ पर आप अपनी डेट ऑफ बर्थ से पाइल सेलेक्ट कर सकते हो। स्क्रीन पर लिख दूंगी या नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पाइल वन की डेट ऑफ बर्थ लिखी है, बर्थ डेट्स लिखी हैं। किसी भी मंथ में आप उस बर्थ डेट को बॉर्न हो, पाइल वन या पाइल टू में आपकी जो भी डेट आ रही है उस डेट से आप अपना यू नो सिलेक्ट कर लो, पाइल वन पाइल टू, एंड आपको जो उसके आंसर्स मिल जाएंगे, नो प्रॉब्लम विद दैट। एंड सो येस, एंड ऑल्सो अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं, डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर ऑल दी अपडेट्स। एंड वन मोर थिंग, अगर आप डेली अपडेट्स चाहते हो, यू नो वास्तु फेंगशुई टिप्स के बारे में जानना चाहते हो, सो मुझे फॉलो कर लो ऑन इंस्टाग्राम, जहाँ पर मैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देती हूँ। एंड अगर आप जोडियक साइंस और न्यूमरोलॉजी नंबर्स के बारे में जानना चाहते हो कि आप अगर 5 नंबर को बॉर्न हो तो कैसे हो, अगर आपकी राशि वर्गो है तो कैसी है, सो ये सब इन्फॉर्मेशन आपको मेरी वेबसाइट पर मिलेंगी। वहाँ पर मैंने ब्लॉग्स लिखे हुए हैं, आराम से पढ़ सकते हो, सो वो भी सब्सक्राइब कर लो, बहुत इन्फॉर्मेशन है। सो उसी के साथ साथ चलो अब हम स्टार्ट कर लेते हैं। एंड क्या कहते हैं कार्ड्स, क्या इन्फॉर्मेशन है आपकी रिलेशनशिप को लेकर, या करंट एनर्जीज आपके और आपके पार्टनर की क्या चल रही है, क्या एंजल्स एडवाइस देना चाहते हैं, सब कुछ उसमें कवर करेंगे। तो चलो स्टार्ट कर लेते हैं वन बाय वन। हेलो पाइल नंबर वन। सो यहाँ पर हम सबसे पहली चीज़ बात कर लेते हैं, जो सबसे पहला आपके लिए कार्ड आया है, यू नो कि आपके पार्टनर की करंट फीलिंग क्या है। एंड उससे पहले कि हमारा थीम कार्ड क्या कहता है, आप कैसा फील कर रहे हो, देखो यहाँ पर द सन के कार्ड आए हैं, विच इंडिकेट्स, देखो पहली चीज़ आपके रिलेशनशिप में पॉसिबिलिटी दिख रही है कि चीज़ें ठीक हो सकती हैं। एंड आपका मन भी इंट्यूशन कह रहा है कि भाई चलो आपके रिश्ते में उम्मीद दिख रही है कि ठीक हो सकता है, और आपने पूरी अपनी पॉजिटिविटी लगाई हुई है एंड यूनिवर्स को प्रे कर रहे हो कि भाई मेरा रिलेशनशिप जल्द से जल्द ठीक करो। अब देखो यहाँ पे आपके करंट फीलिंग जो दिख रही है आपके पार्टनर की, पहली चीज़ तो वो तो अपनी तरफ से पूरा फोकस कर रहे हैं कि नो कि अपने काम पे फोकस करें, अपने करियर पे फोकस करें। एंड रिलेशनशिप की रिकन्सिलेशन की जितनी आपकी एनर्जी है, जितना आप चाहते हो आपके पार्टनर आपसे बात करें, या चलो अगर बातचीत हो भी रही है तभी भी आपको लग रहा है कि पता नहीं पार्टनर उतनी लविंग एनर्जीज़ नहीं दिखा पा रहे हैं। सो यहाँ पर मैं कहूँगी पार्टनर अपनी तरफ से कोशिश कर रहा है कि भाई मैं रिलेशनशिप और ड्रामा को अभी साइड में रखूँ, मुझे अपने करियर पर फोकस करना है। मे बी जेन्युइनली उनके करियर का उनको प्रेशर है, जहाँ पर उन्होंने कोई अपनी पढ़ाई करनी है, कोई एग्ज़ाम है, कोई ना कोई प्रेशर है, तो जिस वजह से वो अपने काम पर फोकस करें। दोनों कार्ड जैसे हैं, जहाँ पर वो एक तो अगर कोई झगड़ा हुआ है तो अपने पॉइंट को लेकर बड़े पक्के हैं कि मैं तो माफ़ी मांगने वाला नहीं हूँ, मेरी गलती नहीं है, मुझे टाइम चाहिए। अगर कोई ऐसी बात है उनके मन में जहाँ पर उनको लग रहा है कि यू नो कि शायद इस बात का कोई सलूशन नहीं है, हमें प्रैक्टिकल होना होगा हमारे रिश्ते का, ना तो ये सारी चीज़ों को सोचकर वो ज़्यादा प्रैक्टिकल हुए पड़े, और आप जितने इमोशनल उतने इमोशनल वो इस वक्त में नहीं है। तो मैं ये नहीं कहूँगी वो देवदास बने हुए हैं, बहुत रो रहे हैं, परेशान हैं, वो कहीं ना कहीं स्टेबल हैं, स्ट्रांग है, ये चीज़ उनकी सबसे पहली चीज़ दिख रही है। अपनी डिसीजन को लेकर फ़िलहाल तो पक्के दिख रहे हैं। अब देखो आगे चलते चलते कन्फ्यूज्ड वो भी होते हुए दिख रहे हैं, आगे भी उनके इमोशनल मन की बात हम जानेंगे, क्या उनके मन में सपनों में आ रहा है आपके लिए, वो भी हम देखने की कोशिश करेंगे। बट यहाँ पर वो देखो कन्फ्यूज्ड है कि अगर आपसे बात करे ना करे, क्या डिसीजन लें, कहीं ना कहीं उनका मन कन्फ्यूज ज़रूर है। सेवन ऑफ कप्स के कार्ड देखो, जहाँ पर पर्सन सोच रहा है कि भाई फ़ोन उठाकर कॉल करूँ कि नहीं करूँ, बात करूँ कि नहीं करूँ, या मान लो उनको अपनी फैमिली से बात करनी है आपके बारे में, सो यू नो क्या ये एफर्ट मैं लूँ कि नहीं लूँ, क्या करूँ। सो समवेयर कन्फ्यूजन अराइज होती हुई दिख रही है। सो थ्रू टाइम दिख रहा है कि यहाँ पर वो सोचेंगे, विचार करेंगे कि इस रिश्ते का इन्हें क्या यू नो नेक्स्ट स्टेप लेना चाहिए, इसको ठीक करें, बातचीत नहीं हो रही तो बातचीत करने का सोचेंगे। एंड चलो नॉर्मली सब कुछ अगर चल रहा है, नॉर्मल चल रहा है, तो अगर आपके पार्टनर आपको कम समय दे पा रहे हैं, कम आपको अटेंशन दे पा रहे हैं, तो टेंशन मत लो, बिकॉज यहाँ पर जेन्युइनली उनको अपने काम का करियर का प्रेशर दिख रहा है। तो कई बार पार्टनर सोचता है कि यार चलो रिलेशनशिप को अपने आप में यू नो उसका अटेंशन ज़्यादा जाता ही नहीं, वो पर्पसफुली भी नहीं सोचता है, चाहे लड़का हो लड़की हो, सब लोग अपना कहीं ना कहीं एक बार ऐसा आता है कि चलो रिलेशनशिप को थोड़ा सा साइड में रखते हैं, करियर को मैंने पहली प्रायोरिटी रखते हैं। अगर हमें रिलेशनशिप पे स्ट्रेस आ रहा तो रिलेशनशिप को थोड़ा साइड में रखकर हम करियर ओरिएंटेड या करियर फोकस करते हैं। सो थोड़ा सा अपने पार्टनर को समझने की भी कोशिश करना, अंडरस्टैंडिंग एटीट्यूड रखना, क्योंकि आपके पार्टनर में कुछ जानबूझ के कुछ करते हुए नहीं दिखते हैं, उनके ऊपर भी बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी जिम्मेदारी है जो उन्हें निभानी है। सो आपका भी अंडरस्टैंडिंग होना बहुत ज़रूरी है। आगे देखो इनर पीस के कार्ड्स आए आपके लिए,
कार्ड्स कहीं ना कहीं आपको कह रहे हैं कि इस सारी सिचुएशन में आप खुद को बिल्कुल भी ये ना समझे कि इसमें आपकी गलती है, आपका फॉल्ट है, आप खुद को किसी से कम समझ रहे हो। ये जानो और समझो कि आपकी ज़िंदगी में कोई पर्सन रहे या ना रहे, आपकी वैल्यू करे ना करे, आप हमेशा अपनी वैल्यू करोगे। और आप जैसे भी हो, जो भी कर रहे हो, इनाफ हो। लिस्ट बनाओ इस वीक में कि नो कि आप जो भी अपनी ज़िंदगी में अभी तक आपने अचीव किया है, बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स को हैंडल किया है, क्या क्या आप सिचुएशन से अच्छे से संभल कर निकले हो, जहाँ पर आपने सोचा भी नहीं था आप ये प्रॉब्लम फेस कर पाओगे, वहाँ पर ज़रूर ये लिस्ट बना कर लिखें। खुद को इनर पीस दें, अपनी इनर पीस का, शांति का ध्यान आप खुद रखें। क्योंकि जब जब कोई सिचुएशन होती है जहाँ पर आप ज़्यादा चिंता करो कि सामने वाला क्या सोच रहा है, क्या करेगा, आपको ज़्यादा परेशानी होती है। सो बी स्टेबल, बिकॉज देखो आपके पार्टनर उतने रेस्टलेस नहीं हो रहे, आपके पार्टनर काफ़ी स्टेबल है। सो इसीलिए आप भी अपनी लाइफ में वो स्टेबिलिटी बना कर रखो। एंड देखो यहाँ पर एक और चीज़ कह रही है, अगर आपको लगता है आपसे कोई गलती हो गई है या सामने वाले की गलती है, फर्गिव कर दो, लेट गो कर दो। और आप जहाँ पर भी हो, जो भी सिचुएशन है, उसको एक्सेप्ट करो, सरेंडर करो एंड शांति बना कर रखो। बिकॉज़ यहाँ पर कुछ चीज़ों को अपना डिवाइन टाइम लगता है। आप कुछ जैसे कि मान लो आप लोग कपल्स की बात हो भी जाए, बट फिर भी कोई सिचुएशन ऐसी होती है जिसको आपको टाइम लगता है, डिवाइन टाइमिंग उसको देनी पड़ती है। जितना मर्जी निचोड़ निकाल लो, कई बार निचोड़ नहीं निकल पाता है, कहीं ना कहीं वो चीज़ अटकी ही रहती है। समय से ही, सही टाइम आने पर ही उसका आंसर मिलता है। तो ये बात है, तो दोनों पार्टनर ये बात को समझें, अंडरस्टैंड करें एंड वो डिवाइन टाइमिंग का वेट करें, तभी ही कुछ हो सकता है। तब तक यू नो रिलेशनशिप में वो स्टक एनर्जीज रहती हैं, क्लैरिटी नहीं आ पाती है। कोशिश पूरी करो, बट समटाइम्स डिवाइन ही इस पे क्लैरिटी ला पाते हैं। ठीक है, आगे देखो जो आपके लिए मैसेजेस, इमोशनल मैसेजेस आ रहे हैं आपके पार्टनर की तरफ से। कहीं ना वो कह रहे हैं आई हेयर सॉन्ग्स इन माई हेड अबाउट वॉट यू वॉन्ट टू कन्वे। उनको आपके मैसेजेस मिल रहे हैं, वो जानते हैं कि आप उन्हें दिल से मिस कर रहे हो, चीज़ें ठीक करना चाहते हो, और उनके मन में उनको वो सपनों के रूप में या कोई ना कोई आप दोनों की पसंदीदा जो गाने होते हैं वो उनको सुनने मिल रहे हैं, या वो कुछ ऐसे गाने सुन रहे हैं जो आपके भी पसंद के हैं, उनके भी पसंद के हैं। एंड ऑल्सो उनको ये भी दिख रहा है, यू नो यू कम इन माई ड्रीम्स। वो ये भी कह रहे हैं कि आप भी उनके सपनों में आते हो, और उनके सपनों में वो मैसेजेस, वो उनको फीलिंग्स मिल रही है कि आप उन्हें कह रहे हो कि लेट गो मत करो, रिलेशनशिप को जाने मत दो, कोशिश करो रिलेशनशिप को ठीक करो। आगे देखो वो कह रहे हैं कि वो बहुत कोशिश कर रहे हैं कि वो मूव ऑन हो जाएं या अपने काम पर फोकस करें, जैसे कि यहाँ पे हमें टैरो में दिख रहा था। बट कहीं ना कहीं वो अपनी कॉर्ड कटिंग का मतलब क्या होता है, जो भी उन्हें अटैचमेंट है आपसे, जो भी उनकी इमोशन आपके प्यार के कनेक्शन थे, वो तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, बट वो उनसे टूट नहीं रहे हैं। बार बार उनके मन और ख्याल में आप बार बार आ रहे हो, इसीलिए यहाँ पे कन्फ्यूजन वाला कार्ड आया था, सेवन ऑफ कप्स का। आगे देखो, एंड यहाँ पर फिर से कार्ड्स कह रहे हैं, देखो आई वॉज होल्डिंग टू टाइट बट इट वॉज टू पेनफुल। यहाँ पर भी कार्ड्स कह रहे हैं कि वो अपनी तरफ से जो भी बात थी, जो भी नेगेटिविटी थी, जो भी उनको लगा कि भाई ये गलत था, उस बात को उन्होंने पकड़ के रखा हुआ है एंड लेट गो नहीं कर रहे हैं। बट कह रहे हैं बट ये मुझे बहुत ज़्यादा तकलीफ़ भी दे रहा है। कहते हैं ना कि अगर बातों को छोड़ दो, लेट, कई बार आपका ईगो वो करने नहीं देता है। कई बार ईगो कहता है नहीं नहीं कॉल मत कर, मत कर, यू नो ये बात को पकड़ के रख, उसने गलत किया है, ये है वो है, हम नेगेटिविटी को पकड़ लेते हैं। तो कार्ड्स में वही दिख रहा है, उनके मन में वो कोशिश कर रहे हैं सब कुछ लेट गो करने की, बट वो कर नहीं पा रहे हैं, टाइम लगेगा इन चीज़ों को। बट वो भी आपके बारे में सोच रहे हैं, आप भी उनके सपनों में आ रहे हो, एंड कहीं ना कहीं उन्हें डिफ़िकल्टी हो रही है आपसे पूरा कट ऑफ करने में। तो इमोशनली आपकी यादें उनको खींच रही हैं, पुल कर रही हैं, ये भी दिख रहा है। बट अगेन एंड अगेन वो इन उस कश्मकश में है कि भाई बात करना चाहते हैं फिर पीछे हट जाते हैं, बात मन में ख्याल आता है फिर पीछे हट जाते हैं। अब इसकी डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशंस होंगी, बट स्टिल वो डिसाइड करेंगे, कन्फ्यूज हो रहे हैं, ये मुझे उनकी करंट एनर्जीज दिख रही हैं। आगे देखो जो आपके लिए सेल्फ लव के मैसेजेस आए हैं, सिचुएशन में क्या करें। देखो यहाँ पे कार्ड्स अगेन आपको कह रहे हैं कि इस वक्त में आपको सबसे ज़्यादा आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है। खुद को सपोर्ट करो, खुद को हिम्मत दो, और ये जानो समझो, आप अपने आप को भी फॉरगिव करो एंड सामने वाले की सिचुएशन को भी फॉरगिव कर दो। देखो आपकी रीडिंग में बहुत ज़्यादा फॉरगिवनेस बहुत आ रही है और इनर पीस की बहुत बात कर रहे हैं। कहीं ना कहीं इट्स इंपॉर्टेंट कि आप अपने आप को वो पीस और शांति दें सिचुएशन में, नो मैटर वॉट इट इज़। अपना पीस और अपनी फॉरगिवनेस ज़रूर उसे फॉलो करते रहे, बिकॉज इससे आपके मन में शांति बनी रहेगी, एंड जब शांति बनी रहेगी आप सिचुएशन को हैंडल कर सकते हो। रेस्टलेस हो गए, परेशान हो गए, तो यू नो उससे आपके पार्टनर वापस वैसे भी नहीं आने वाले। सो इट्स बेटर कि आप इसको वाइजली हैंडल करो।
एंड पीसफुली हैंडल करो तो अच्छा माना जाएगा। रेस्ट रूम, सेल्फ लव रिलेटेड और भी कोई प्रैक्टिसेस के बारे में आप जानना चाहते हो, सो जैसे कि मैंने कहा यू नो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स अवेलेबल हैं। सेल्फ लव की वर्कशॉप मैं लेती हूँ, वो भी आप ज्वाइन कर सकते हो ताकि आप और लविंगली सिचुएशन लव वाली अट्रैक्ट कर सको एंड खुद का भी इस प्रोसेस में ख्याल रख सको। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सो नो आई होप आप इससे कनेक्ट एंड रेजोनेट हो पाए हो। ऑल ओवर अगर मैं देखूँ, देखो आप करंट एनर्जीज में आपके पार्टनर का ज़्यादा ध्यान तो अपने काम के ऊपर है बट कन्फ्यूज़ होते हुए दिख रहे हैं, अप्रोच करने के चांसेस हैं, आपके रिलेशनशिप में सुधार हो सकता है। बट जैसे कि मैंने कहा, कुछ चीज़ों को ठीक होने में टाइम लगता है, वहाँ पर कॉम्प्रोमाइज़ की ज़रूरत पड़ेगी। बट वॉट्स सो एवर आप उनके सपनों में ध्यान में आ रहे हो, ये मैसेजेस कुछ आपके लिए दिख रहे हैं। सो आई होप कनेक्ट एंड रेजोनेट हो पाए हो। बताना कमेंट बॉक्स में कैसी लगी रीडिंग, कितना कनेक्ट हो पाए हो। थैंक यू सो मच। हेलो पाइल नंबर टू, यहाँ पर देखो जो आपके लिए सबसे पहला मैसेज आया है, द क्वीन ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड है जो आपकी एनर्जीज दिखा रहा है। देखो आप अपनी लव लाइफ में कमिटमेंट चाहते हो, शांति चाहते हो, पीस चाहते हो एंड कहीं ना कहीं आप अपने आप को भी करियर में भी टाइम देना चाहते हो और अपने पार्टनर को भी देने के लिए तैयार हो। बट आप किसी भी टाइप के नो कमिटमेंट नहीं है जिस रिश्ते में, शायद वहाँ पर आप रहना नहीं चाहते एंड मे बी इस वजह से आप दोनों पार्टनर के बीच में इश्यूज़ प्रॉब्लम्स भी हो जाते हैं। अगर करंटली आप जानना चाहते हो आपके पार्टनर की क्या एनर्जीज है, रिलेशनशिप को लेकर क्या सोच रहे हैं, सो यहाँ पर जो पहला कार्ड आया आपके पार्टनर को लेकर, देखो आपके पार्टनर कहीं ना कहीं आपसे प्यार कनेक्शन करते हैं बट मे बी मुझे इतना स्ट्रांग कमिटमेंट नहीं दिख रहा है। मे बी या तो वो ऑलरेडी मैरिड हैं या कोई रिलेशनशिप में है, या उनकी फैमिली आपके रिश्ते को एक्सेप्ट नहीं करी, या वो ऐसे मजबूर है कि आपको कमिटमेंट नहीं दे सकते, बट उनकी तरफ से प्यार ज़रूर दिखता है। अपनी तरफ से वो चीज़ों में बैलेंस लाने की कोशिश कर रहे हैं, टेम्परेंस का कार्ड है, जिससे कि नो रिश्ते में एक बैलेंस रहे एंड कहीं ना कहीं आप उनकी ज़िंदगी से ना जाओ, ये भी दिख रहा है। आगे देखो अगेन दिखता है, अगर उनके बस में हो या उनकी इच्छा हो तो ज़रूर आपसे शादी या रिलेशनशिप को नेक्स्ट लेवल लेके जाना चाहते हैं। अगर ऑलरेडी मैरिड है, ऐसी कोई सिचुएशन है, सो ही शी रियली वॉन्ट्स कि चीज़ें आपके साथ सही हो, अच्छी हो, उनकी इच्छा पूरी दिखती है। आगे देखो मेरे को एक और चीज़ दिख रही है जो मैं कह रही हूँ ना, कि या तो आपके पार्टनर कोई रिलेशनशिप में, या वो मजबूर है, या उनकी फैमिली नहीं मान रही, या कोई कास्ट इशू है। यहाँ पर देखो क्योंकि दिख रहा है आई डोंट लव माई पार्टनर, आई एम स्केयर्ड टू एडमिट इट टू माई सेल्फ, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि आपके पार्टनर का एक मैसेज दिख रहा है हमें, जो उनके मन में बात चल रही है, कि शायद से आपके आपके पार्टनर जो भी है वो कह रहे हैं कि मेरी जिससे ज़बरदस्ती शादी हो रही है, या जो मेरी ज़िंदगी में जो भी लड़का लड़की है, या मैं मैरिड हूँ, या जो भी मैं, उसको तहे दिल से पसंद नहीं करता या प्यार नहीं करता हूँ, बट मैं ये कहने से डरता हूँ, मजबूर हूँ, नहीं कह सकता, ना मैं अपनी फैमिली को कह सकता हूँ ना किसी और को। दिस हैपन्स यू नो जब आप किसी को प्यार करते हो और वो उसकी फैमिली का प्रेशर हो, वो जानता है कि आपसे करना चाहता है बट मजबूर होकर वो नहीं कर पा रहा या पा रही है, तो कहीं ना कहीं वो फंसा हुआ है कोई सिचुएशन में, ये दिख रहा है। आगे देखो एक और उसकी तरफ से मैसेजेस आ रहे हैं, नो दैट यू नो उसको पता है कि वो जब आपके साथ रहता रहती है तब वो ज़्यादा खुश है, आप उसको ज़्यादा प्यार करते हो, रिस्पेक्ट देते हो, आप वो आपकी कद्र करता करती है, सब दिख रहा है। वो आपको आपकी ज़िंदगी का शाइनिंग स्टार समझता है कि जब से आप उसकी ज़िंदगी में आए, उसकी ज़िंदगी में गुड लक, प्यार, अच्छा उसको फील होता है। सो ऑफकोर्स मुझे उनकी तरफ से प्यार, मोहब्बत सब दिखती है बट कमिटमेंट इशू है, या तो वो खुद ही कमिटमेंट नहीं दे पा रहा पा रही है, मजबूर है, लॉन्ग टर्म कमिटमेंट नहीं दे पा रहे, बट देर इज़ अट्रैक्शन, देर इज़ लव, सब कुछ दिखता है। अब इस सिचुएशन में कार्ड्स आपको क्या कह रहे हैं? देखो कार्ड्स आपको कह रहे हैं कि चाहे आप सिंगल हो, चाहे कमिटेड हो, चाहे वो पार्टनर छोड़ के चला गया है साथ में, आप अपना जॉय, अपनी खुशी कुर्बान मत करो। जो अगर आपकी ज़िंदगी में लिखा है अपने आप आएगा, तब तक आप खुश रहो, मौज करो, जैसे लड़की झूला झूल रही है उसके पीछे रेनबो बना हुआ है, अपने आसपास वो रेनबो अट्रैक्शन, पावर, जॉयफुलनेस ज़रूर साथ में रखो। बिकॉज अगर यू नो किसी इंसान को जेन्युइनली आपके पास आना है भाई, वो फिर वो कैसे भी करके आए हमें नहीं पता। अगर कोई इंसान आपको तहे दिल से चाहता है, पूरी शिद्दत अपनी लगा दे, नो पूरी कोशिश अपनी लगा दे, वो आएगा अपने आप में। एंड तब तक जब तक वो नहीं आ रहा है, तब तक आप अपना यू नो कॉम्प्रोमाइज़ मत करो, खुशी वो ज़रूर ध्यान में रखो। एंड अगर कुछ भी नहीं हो सकता, सो अगर वो नहीं आ रहा आपकी लाइफ में, नहीं आ रही आपकी लाइफ में, जो भी हो तो भी आपने खुश रहना, ये कार्ड वो कह रहा है। नो रेनबो खुशी हमेशा आपके साथ में होनी चाहिए, चाहे कोई इंसान आए या ना आए, उससे बात बने ना बने, बट आप किसी से कम नहीं हो जाते हो वो चीज़ होने या ना होने से। एंड आगे द गार्डनर के कार्ड आए, पाइल नंबर वन में भी ये कार्ड आया था। ये कार्ड कहीं ना कहीं आपको रिमाइंड करा रहा है कि नो जो सिचुएशन इस वक्त में आपके साथ हो रही है उसको एक्सेप्ट करो, अंडरस्टैंड करो
एंड कुछ चीज़ों को होने में टाइम लगता है, ये डिवाइन टाइमिंग का कार्ड है। जैसे एक गार्डनर होता है, उसको पता है मैंने बीज डाला, बीज को 6 महीने लगेंगे, इसको साल लगेगा इतना बड़ा पेड़ होने में, उसको पता होता है। अब उसमें जितनी मर्जी चिंता कर ले, रेस्टलेसनेस, तो उससे कुछ नहीं होने वाला है। वो टाइम पे जब राइट टाइम आएगा तभी उस चीज़ का आंसर मिलेगा, उससे पहले नहीं मिलने वाला है। चलो ये कुछ एनर्जीज दिख रही है, बट ऑल ओवर देखो मुझे आपके पार्टनर के दिल में, दिमाग में कहीं ना कहीं एनर्जीज दिखती है, जैसे कि वो फंसा हुआ है, स्टक है। अब ये प्रॉब्लम उसको खुद ही सॉल्व करनी पड़ेगी, आप इसमें कुछ नहीं कर सकते हो। अगर वो पार्टनर पर्पसफुली कोई जेन्युइनली स्टक है, उसके मन में आपके लिए प्यार मुझे दिखता है, बट उसको ही अपनी प्रॉब्लम सॉल्व करनी पड़ेगी। कर पाए तो ठीक है, नहीं कर पाए तो देन यूनिवर्स को सरेंडर करना पड़ेगा। हो जाए तो ठीक है, नहीं तो नहीं। देखो यहाँ पे भी एक और परफेक्ट कार्ड आया है, एवरी थिंग आई नीड कम्स टू मी इन द परफेक्ट टाइम। सो जो सेल्फ लव के कार्ड्स है, ये भी आपको कह रहे हैं कि टेंशन मत लो, जो चीज़ आपके लिए बनी है वो आपके पास अपने आएगी, अपने आप आएगी। तब तक यहाँ पे लिखा है आई रिलैक्स एंड एन्जॉय माई लाइफ। तो ये देखो यहाँ पे जैसे मैं बात कह रही थी ना, कि जैसे होता है ना हमारी शादी नहीं हो रही, हमारा ये कब होगा, हम सिंगल हैं या रिलेशनशिप में, या कमिटमेंट नहीं मिल रहा है, नो मैटर वॉट इट इज़, आप खुद को प्यार करो एंड लाइफ इंजॉय करो। जब कोई चीज़ डिवाइन टाइमिंग में होनी है वो अपने आप होगी, तब तक आपने क्या टेंशन लेनी है। नो जस्ट चिल एंड एन्जॉय लाइफ। यूनिवर्स का एक अपना टाइम एंड स्पेस सीक्वेंस होता है, सब कुछ परफेक्ट टाइम पे रिवील होता है। यहाँ पे गार्डनर जैसे हमको सिखा रहा था कि कई बार आप जितनी मर्जी कोशिश कर लो, कुछ चीज़ों के आंसर्स आपको नहीं मिल सकते हैं, पहले आपको उतनी देर इंतज़ार करना पड़ता है, और परफेक्ट टाइमिंग पे, यूनिवर्स के परफेक्ट टाइमिंग पे आपको वो आंसर मिल जाता है कि भाई चलो ठीक है, इस रिलेशनशिप या ये पर्सन के साथ में हमारा फ्यूचर है कि नहीं है। येस और नो का आंसर टाइम पे आपको मिल जाता है। सो ये भी चीज़ें एक रिमाइंडर आपके लिए। एंड साथ ही साथ कार्ड्स आपको कह रहे हैं कि ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करो अपनी लाइफ में, कि चलो मेरे साथ ये अच्छा हुआ, ये मेरे को मिला है, मैं इस चीज़ के लिए ग्रेटफुल हूँ। जो भी आपकी ज़िंदगी में चीज़ें अच्छी हो रही है उसके लिए ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करो, बिकॉज इससे क्या होगा, इससे आप पॉजिटिव वाइब्रेशन में आ जाओगे। एंड जो आपका पार्टनर है वो अपनी लाइफ में कुछ वर्कआउट करना चाहता है, तो उसको भी वो वाइब्रेशन मिलेंगी, वो ठीक कर पाएगा, एंड आप जो अट्रैक्ट करना चाहते हो वो अट्रैक्ट कर पाओगे। सो पॉजिटिविटी, ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है। अगर इस टाइप की चीज़ें आप सीखना चाहते हो, सेल्फ लव प्रैक्टिस करना चाहते हो, सेल्फ केयर, सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ाना चाहते हो, सो जो मेरी सेल्फ लव वाली वर्कशॉप है वो भी आप ज्वाइन कर सकते हो। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स मिल जाएंगी। सो इफ इंटरेस्टेड वो भी मैं, क्योंकि वो सिखा रही, बिकॉज इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप लाइफ में अकॉर्डिंगली अपनी ज़िंदगी में और लव अट्रैक्ट कर सको। सो तो चलो वो बात हो गई, बट उसके अलावा ये जो सिचुएशन आपकी चल रही है यहाँ पर, आप ज़रूर ध्यान दें अपने ऊपर कि एक चीज़, अगर आपका एक लवर आपकी लाइफ से चला गया, इसका मतलब ये नहीं आपकी लाइफ ख़त्म है। स्टिल आपको अपनी लाइफ की वैल्यू करनी चाहिए, आपको अपने, यहाँ पे जैसे लड़की है ना, कि कोई आए चाहे कोई जाए, ये आपकी सोल ऐसी होनी चाहिए, आप हमेशा एक जॉयफुल मोमेंट में रहो। कार्ड्स आपको बार बार, एंजल्स एंड यूनिवर्स आपको कह रहे हैं कि डाउन मत हो, नेगेटिव मत फील करो, बी हैप्पी। जब आप खुश रहोगे, जो चीज़ आपके लिए बनी है खुद ब खुद आएगी, जो चीज़ नहीं बनी आपको स्ट्रेस दे रही है वो और आपसे दूर चली जाएगी। सो दैट्स द पावर ऑफ सेल्फ लव, ग्रैटिट्यूड एंड पॉजिटिविटी। ये चीज़ का आप हमेशा ध्यान रखो। एंड देखो और कोई पॉइंट्स मुझे नहीं, और कोई इतने पॉइंट्स स्ट्रॉन्ग नहीं दिख रहे हैं मुझे अभी। सो आई होप आप इससे कनेक्ट एंड रेजोनेट हो पाए हैं। इफ सो देन डू लेट मी इन द कमेंट बॉक्स बिलो। थैंक यू सो मच।